नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की बात करते हैं, जेपी एसोसिएट लिमिटेड की बात करेंगे। दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी रही है पिछले एक साल में। पिछले तीन चार महीने में स्टॉक प्राइस 18 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है जेपी एसोसिएट में, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में। तो इसी कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसके दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आया है और कंपनी का जो कामकाज है दोस्तों, सीमेंट सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन है, पावर है, रियल एस्टेट है, बहुत सारे काम है कंपनी के। स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, 94% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में, और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है पिछले पाँच साल में 180% का दोस्तों तेज़ी है। और इससे पहले स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। वीडियो में बात करते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के दूसरी तिमाही Q2 ऑफ 2024 के नंबर्स की बात करेंगे और इसके डेप्ट की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, शेयर आगे कैसा रहेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी एक तेज़ी बनी है और स्टॉक ऊपर की तरफ है, 18 रुपये के ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। सबसे पहले इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट है फाइनेंशियल रिजल्ट का जेपी एसोसिएट का, और 30/9/2023 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं तो 1213 करोड़ का दोस्तों, 1213 करोड़ का टोटल इनकम। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 1258 करोड़ का टोटल इनकम है। इससे पहले 763 करोड़ का था, एक साल पहले 1000 करोड़ का था। तो ये इसमें देखिए टोटल इनकम बढ़कर आया, 1258 करोड़ का टोटल इनकम है 30/9/2023 के क्वार्टर में, दूसरी तिमाही Q2 ऑफ 2024 में। और एक्सपेंसेस का जो अपडेट आया है कंपनी ने, देखिए टोटल एक्सपेंसेस 1452 करोड़ का, इनकम है 1258 करोड़ का और एक्सपेंसेस है जो खर्चा है 1452 करोड़ का है। तो खर्चा ज़्यादा किया है कंपनी ने, तो लॉस है कंपनी। नुकसान का अपडेट आया है, लॉस का जो अपडेट आया है 207 करोड़ का है और इससे पहले 171 करोड़ का था और एक साल पहले 312 करोड़ का था। तो 312 करोड़ से घटकर ये 207 करोड़ का नुकसान है कंपनी को, और इससे पहले 171 करोड़ का था तो थोड़ा बहुत ये बढ़ गया है, नुकसानी है कंपनी को पिछले एक साल में, नुकसानी है कंपनी को। तो 201 करोड़ का लॉस है दोस्तों कंपनी को। और इसमें देखिए जो एक्सपेंसेस है थोड़ा बहुत, 1452 करोड़, 898 करोड़, 1209 करोड़। तो इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी को नुकसान है, लेकिन नुकसान कम है। अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों, 1258 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है कंपनी का Q2 ऑफ 2024 में। तो ये दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। अब बात करते हैं डेप्ट की, लोन की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है 29,272 करोड़ का है, 29,272 करोड़ का डेप्ट है और इसे पे करना है कंपनी को, पे करना है 2037 तक दोस्तों, 2037 तक पेमेंट करना है और ये पार्ट में करना है दोस्तों। अभी ड्यू था 4,258 करोड़ का, तो कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई थी 31/10/2023 को, तो समय है काफ़ी। और कंपनी अपने एसेट बेचकर डेप्ट को कम भी करना चाह रही, बीच बीच में खबरें आ रही होंगी कि अडानी लेने वाले हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी डालमिया भारत, तो अपने एसेट बेचकर जो लोन है उसको कम करना चाह रही है दोस्तों। तो आगे और जिनसे लोन लिया है बैंकों से भी बात हो रही है, तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह की खबरें आती है। फिलहाल जो डेप्ट है 29,272 करोड़ का डेप्ट है और ये पेमेंट करना है 2037 तक। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। जेपी एसोसिएट लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स है, देखिए एक तेज़ी बनी है इसमें। 7 रुपीज़ में था ये 23/8/2023 को, अगस्त के महीने में, तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा 18 रुपये तक, तो 2-3 गुना हो गया पिछले 2-3 महीने में। अच्छी एक तेज़ी बनी है दोस्तों। तो आगे की बात करते हैं, देखिए जैसे कि 18 रुपीज़ में ये कारोबार कर रहा है, आज 18 रुपया 40 पैसा, 18 रुपया 60 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ये जो 18 रुपये का प्राइस था 2018 में था दोस्तों, 21 रुपया 53 पैसा, ये स्टॉक जो अप ट्रेंड बना हुआ है 21 रुपया 53 पैसा इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें एक 24 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 24 रुपया 45 पैसा रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है ऊपर का, जो ऊपर का लेवल रह सकता है, ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ
लगभग 27 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों यहाँ से भी एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी ये बनी है पिछले 1-2 महीने के अंदर, तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। देखिए जैसे 18 रुपये का है तो इसका जो सपोर्ट रहेगा, नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 15 रुपया 60 पैसा, 15 रुपया 60 पैसे के नीचे स्लिप होगा तब इसमें फिर गिरावट बढ़ सकती है। जब तक ये 15 रुपया 60 पैसे के ऊपर है तो तेज़ी बनी रहेगी। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं क्या करना चाहिए। जिन निवेशकों के पास JP एसोसिएट है, जिन्होंने 8 रुपया 7 रुपया 10 रुपये में ख़रीदा है, तो होल्ड करना चाहिए। और तेज़ी बनी हुई है और देखिए 29,272 करोड़ का जो लोन है, ऋण है, आगे आने वाले समय में अपना एसेट बेच के अगर कम करती है तो एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और इस क्वार्टर में देखिए रेवेन्यू बढ़ा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया नहीं है कंपनी को, लॉस है। तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए, टारगेट या हिट हो गया तब डिसीजन लेना चाहिए। जिन्होंने होल्ड किया है तो अनलिमिटेड तेज़ी भी हो सकती है दोस्तों, जिस तरह से सूजलॉन भागा है उस तरह की तेज़ी हो सकती है। पेनी शेयरों में इसी तरह का रहता है, और पेनी शेयर तभी होते हैं कंपनियाँ जब उनमें या तो मैनेजमेंट का कोई दिक्कत रहती है या फिर लोन होता है। ज़्यादातर जो जिन कंपनियों का लोन होता है वो ज़्यादातर पेनी स्टॉक बनते हैं। तो अब आने वाले दिनों में अगर ऋण कम होता है और जिन बैंकों से लोन लिया है या फिर वो हिस्सेदारी लेते हैं तो अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है आने वाले समय में, तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है और वो अनलिमिटेड रह सकती है दोस्तों। तो ये JP एसोसिएट का लेटेस्ट अपडेट है। जिन निवेशकों के पास स्टॉक है तो पिछले 1 साल में 5 साल में एक तेज़ी तो बनी है, स्टॉक 18 रुपये तक। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।